देखो क्वेश्चन है, जेई मेन 2004 एंड 2005 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ए सब वन ए सब टू सो ऑन ए सब एन आर इन जीपी देन द डिटरमिनेंट। अब आप इसको बुक के एक मेथड दे रखा है उसे सॉल्व कर लो, ठीक है। अब आप देखो बहुत आसान मेथड बताता हूँ, फंडामेंटल अगर क्लियर रहे तो ये सब क्वेश्चन देखते के साथ सॉल्व कर दोगे। एक्सपेंशन करना है भैया, घर में बैठकर प्रैक्टिस करो, उससे अपना बिल्कुल देख लो कि डिटरमिनेंट का आपको सही तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्सपेंशन करना आ रहा है नहीं आ रहा है। अब आप देखो कह रहा है ए सब वन ए सब एन प्लस वन, ये सब आपस में क्या है जीपी में है। हम क्या करते हैं, आप जानते हो जीपी वो भी सिक्वेंस होता है जिसमें हर एलिमेंट बराबर हो, ठीक है। तो आप मान लो अगर हम सबको बराबर ले लें, ए सब एन कॉमा ए सब एन प्लस वन सब बराबर ले लें, सबको बराबर ले लें, ठीक है। और इन सब बराबर का वैल्यू कितना मान कर ले, वन, ठीक। ये क्या बन जाएगा जीरो, ये क्या बन जाएगा जीरो, ये क्या बन जाएगा जीरो, सारे एंट्री जीरो, रिजल्ट क्या जीरो। दूसरा सिर्फ और सिर्फ बराबर भी लो, सारे एंट्रीज क्या इक्वल, जब सारे एंट्रीज किसी भी डिटरमिनेंट में इक्वल होते हैं तो रिजल्ट कितना आता है जीरो के बराबर। आंसर आ गया करेक्ट ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप देखो एक अजम्पशन हमने पहले ही यहाँ पे डिकोड कर लिया, आप देखो क्वेश्चन कैसे आसान हो गया। पहला क्या यूज किया कि मान लो वन के बराबर तो लॉग वन जीरो लॉग वन जीरो लॉग वन जीरो सारे जीरो तो रिजल्ट है जीरो। दूसरा सिर्फ और सिर्फ बराबर, सारे एंट्रीज बराबर, इसका मतलब उसका भी आपके पास डिटरमिनेंट क्या आएगा जीरो आएगा। तो इस कदर क्वेश्चन सॉल्व करना है।